मुख्यमंत्री से आपसे चुप्पी क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री को सड़क पे अगर हमारे देखिए पहले अपने परिवार से मिलेंगे और मैं ये भी बता दूं कि हम दलित और आदिवासी अलग नहीं है, एक है, हम एक परिवार के लोग हैं। और मैं दिल्ली से ये बताने के लिए आया कि मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े, ये हम बकरे नहीं है जिनको हलाल किया जाएगा मारा जाएगा। अगर सीबीआई जांच नहीं होगी और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री को सरकार को आम आदमी जिसको न्याय मिल रहा है संतुष्ट होना चाहिए। और जब परिवार मांग कर रहा था क्यों नहीं करा रहे, इसका मतलब कि बड़े नेताओं की गर्दन फंसी हुई है। अगर मुख्यमंत्री न्याय नहीं देंगे तो कुछ खींच के लेकर ये जनता है और जनता लोकतंत्र में मालिक है। मुख्यमंत्री ये ना समझे वो न्याय नहीं करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अभी तक निमावर नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? नहीं, उनके उनको आदिवासियों से कोई लेना देना है ही नहीं। वो आरएसएस बीजेपी के लोग उनको क्या पता है दलितों की आदिवासी होती है? उनको तो कीड़े मकड़े नजर आते हैं। अगर उन्हें वो इंसान नजर आते तो उन्हें अगर इंसान नजर आते तीन बच्चों की चीख सुनाएगी। 45 दिन तक पुलिस ने क्या किया और आज डीएम कह रहे हम कर लेंगे जांच। तुम इतने जांच करने वाले, तुम्हें ये भी नहीं पता 45 दिन परिवार कहाँ था? ये सरकार को भी हम जानते हैं और ये अधिकारी कर्मचारियों को भी। हम जनता, हम मालिक हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा। मैं खुद आऊंगा साइकिल यात्रा छोड़कर, मुख्यमंत्री का घिराव करेंगे। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, ये आदेश नहीं देते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा सारे मुख्यालयों में और मुख्यमंत्री आवास के घिराव का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे, हम साबित करेंगे कि हम यहाँ मांगेंगे नहीं, अपने अधिकार को छीन के लेंगे। न्याय